तृणमूल लीडर पे दादागिरी करने का इल्जाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। हम आपको बता दें, पिछले दिनों हावड़ा स्टेशन के करीब एक दुकान के दो मालिक भाइयों के दरमियान झगड़ा हुई। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने कानून से रजू किया, फिर बात नहीं बनी तो एक भाई ने हावड़ा स्टेशन ट्रेड एसोसिएशन में जाकर अपने भाई की शिकायत की। बताया ये जा रहा है कि हावड़ा ट्रेड एसोसिएशन के लीडर, जो कि INTTUC नॉर्थ हावड़ा के लीडर है, जिनका नाम अनिर्बन दास बताया जा रहा है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने हावड़ा के एक दुकानदार जिनका नाम जुबैर इस्लाम है, उनको अपने ऑफिस बुलाया और वहां पर उनके साथ मारपीट की। इस घटना की खबर जुबैर इस्लाम ने गोलाबाड़ी थाने में शिकायत की है। उनका ये भी कहना है कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। आइए देख लेते हैं इस मामले को लेकर क्या कहना है जुबैर आलम का और क्या कहना है INTTU लीडर अनिर्बन दास का इस मामले को लेकर। देखते रहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता। हम बात बहुत आगे ले गए, कभी क्या किया, समिति का दो आदमी से ब्लैकमेल किया, चमकाया हमको समिति का पैंट दो, समिति का पैंट में समिति के दो आदमी सामने आगे नहीं मिला सैटरडे को, तो एक आदमी गौतम चौधरी से बात किया, गौतम नाम से बात करना चाहता है। गौतम चौधरी फेस टू फेस हमको देखा, आज नहीं जगह के अब तो जानता भी नहीं है। हमने एक दो बार ऑफिस में पूजा में उसका निमंत्रण देने जाते थे, हम समिति का सीनियर आदमी हैं, तेजर है। कितना पैसा लेता है समिति आप लोग से? समिति दुकान से लेता है चंदा, दुकान से। दुकान से कितना पैसा? 100-150 डेली होता है। डेली कितना? 100 रुपये 200 रुपये? 100 रुपये। 100 रुपये डेली का, उसमें से पूजा खर्चा है। हमें गणेश पूजा, आप आइएगा देखिए, गणेश पूजा खर्चा है और अदर एक्सपेंस है। सोशल काम कर जाता है पार्टी से। ये वाला पैसा क्या टर्मिनल बंद हो गया? नहीं, टर्मिनल को हम जाएंगे जी, हम अपना पर्सन हम बंद कर देंगे कि भाई हम पैसा नहीं देंगे। टर्मिनल के सामने भी जगह में होटल में डाल वहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट कीजिएगा, जिन लोग पैसा मिला डरता लोग शिक्षित हम लोग दोनों भाई दुकानदार हैं। 28 अगस्त 2023 पाँचवीं शाम में जब हम दुकान इंटर कर रहा है तो काला राजू बोला हाय, हाथ दिखाया, हम रिस्पेक्ट दिया, हमने ठीक आता है। आने के बाद में काला राजू से बात हो रहा था, काला राजू से बात कंप्लीट नहीं हुआ, टर्मदा के ऑफिस में चला गया। वो बोला बैठिए, हम बैठे। बोले क्या हुआ? हम बोला कि सुनिए ना, हमसे क्या बात करते हैं आप, जो भाई बैठ के उससे जाके बोलिए, बस इतना बोलना, हटिए चुटिए, आपको सैया बनाते, बहुत नेता बनता। बोलो खुशी करना, धक्का करना शुरू किया, ऑफिस से बाहर ला करके गाली दिया, कॉलर पकड़ा, गर्दन मार दिया, मारा, थप्पड़ लगाया। हाँ, ऐसा थप्पड़ लगाया। और तो फिर लास्ट में वहाँ पर काला राजू डबल पॉलिसी करके हमको बोला ऐसे चल जाइए। बोला नहीं, हम दुकान लेके जा रहा, 10-12 आदमी दुकान में झमेला करेगा, ये करेगा। बोला बाबू दुकान जाके का ऐसा कीजिएगा? बोला नहीं, हमारी दिखा देता, आप लोग ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसा मैटर है। इसके मैटर का केस में मंगलवार को हमारा भाई जो है थाना किया, GD किया। कौन सा थाना? गोलाबाड़ी। GD किया, GD के बाद में रिटन कंप्लेन कमिश्नर को दिया, बड़ा बाबू को दिया, गौतम चौधरी को दिया रिटिन में, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो क्या लगता है, पुलिस काम नहीं कर रहा है? नहीं, पुलिस काम नहीं कर रहा, नेता है बोल के? हाँ, नेता है, टब्लू वहाँ पर नेता लोकल है, और उसका सर पर जो है गौतम चौधरी का हाथ है। तो गौतम चौधरी का मदद से कर रहे हैं? हाँ, गौतम चौधरी अभी फ्रंट पर नहीं आया है, गौतम चौधरी MLA है, लेकिन उसका सर पर हाथ है पीछे से, जितना भी उड़ रहा है उसका फोर्स बहुत, वो किसी को नहीं समझता है, किसी का बात सुनता नहीं है। मेरा कहने मतलब है, आप कोई भी डिसीजन कीजिएगा दो पक्ष का बात सुनने के बाद, नहीं हम उसको नहीं कोई मानता है। जब पैसा भाई को बंद कर निकाल दे मोबाइल हो जो, हाँ, जो पैसा भाई को बंद किया तो उसको बोला कि दादा जो पैसा भाई को हम बंद किया है, कहे बंद किया है, आप कौन होता बंद करने वाला? हम बोला मामला कोर्ट में हो, कोर्ट देखा था हमको, हम कोर्ट भी देख लेगा, थाना भी देख लेगा, वैसा केस रोज हम करता है, वैसा केस हम डेली करता है, वैसा थाना रोज हम देखता है। मैंने रास्ते में आपको मारा? रास्ते? हाँ, रास्ता में। क्या आपके सामने? अरे बहुत भीड़ था, 12-13 आदमी उसका था, बहुत क्राउड था बाहर में रोड पर जहाँ पर गंडेरी बिकता है। अच्छा, हम तो अकेला आदमी इज्जत दे, हम कुछ बोला, हम चला आया, मेरा समिति का लोग कोई साथ नहीं दिया, समिति का लोग। आप कैसे बीमार है, कितना दिन से बीमार है? हम तो बीमार बाबू 2012 से, अब बताया ना पहले ऐसे जो मारा है तो हम फिट नहीं है, आज ठीक है, दुकान की अनुमति बिछाना पड़ जाता है,
ये शोक जो हुआ ना वो हमको सेंटीमेंट लगे, हम बीमार पड़ गया दस। मैंने वो मारने के बाद अब और ज्यादा बीमार पड़ गया, हम सदमा हो गया हमको। अच्छा। कि 40 साल से हौड़ा मेरा इज्जत है, 150 साल पुराना दुकान है, आज तक हमको सब बोलता है वहां पर कॉलिंग में फुल भाई, सब आदमी का हाथ हमारा सर पर, हम सपोर्ट करता है, लेकिन मेरा तो मान सम्मान चला गया ना, और क्या रह गया। अभी क्या चाहते हैं आप पुलिस से? क्या चाहते हैं पुलिस से? हेल्प चाहिए कि ऐसा क्यों किया, उसको पनिशमेंट चाहिए। अच्छा वो लोग क्या अरबी मैंने ऐसे बगैर प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए पैसा ऐसा मांगता है आप लोग से? नहीं, बगैर प्रोग्राम का पैसा नहीं मांगता। मैंने प्रोग्राम रहेगा प्रोग्राम में पैसा मांगता। कितना पैसा मांगता है? समथिंग समिति से, हम लोग व्यक्ति के नहीं मिलता समिति से, हमारे पार्टी का ये काम है कुछ चंदा दे दिया। दुकान से पैसे अमाउंट नहीं मांगता है। अच्छा डेली कितना देना पड़ता है? डेली नहीं मंथली देते हम लोग। कितना? वो साहब बोला कि जो नहीं देगा हमको नाम बोले उसको बता देगा। एक दो आदमी प्रतिवाद किया कि भाई हम लोग कमाते हैं, समिति का इलेक्शन किया, वो कलेक्शन नहीं किया, वो समिति को बोला हमको इतना डोनेशन चाहिए समिति से, समिति दुकानदार से कलेक्शन करके उसको देता है। आप कितना देते हैं? हम देते हैं डेली कलेक्शन 150 रुपये दुकान से। 150 नहीं देने से? अरे बाबा नहीं देने से व्यवसाय करना सकेंगे? पूरा गुंडागर्दी चल रहा है। फर्स्ट टाइम हम तो माइनॉरिटी आदमी है, हम पर दबाव देता है, हमको अभी दुकान जाने में डर लगता है। पूरा गुंडागर्दी। उस दिन के बाद से आप दुकान नहीं गए? अभी तक दुकान एक बार गए, लेकिन हम चुप से चला आए, डर से माने नहीं आते, डर से नहीं आते, डर से इज्जत भी नहीं। अब इज्जत क्या रह गया मेरा गांव में पूरा शोर। अभी डॉक्टर आपको क्या बोला है? डॉक्टर बोला रेस्ट करने के लिए। कितना दिन कर लिया? फीवर था, हफ्ता दस दिन बोला था, हफ्ता दिन हो गया। आज जैसे कि हम बड़ा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट किया गया, बड़ा डॉक्टर साला हरामी, अब यदि होता नहीं हमारा बहुत सारा मर्ज है। आपको फैक्ट बता रहा है, कल हम ब्लड चेक कराएगा मॉर्निंग में, ब्लड चेक कराने के बाद रिपोर्ट के बाद में कल हम डॉक्टर के पास जाएगा। आपका क्या क्या रोग है? शुगर पेशेंट क्या क्या? अरे बोलिएगा इतना इतना ऑलरेडी हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, आपको जा करके कोलेस्ट्रोल, प्रेशर, थायराइड, सब मर्ज है। अरे पूरा इतना रिकॉर्ड। अच्छा एक बात का, अगर वहाँ पे मैंने अगर पैसा नहीं देते हैं तो वो लोग का दुकान नहीं चलने देगा? नहीं चलने देगा। क्या बोलेगा था वो लोग आपको? वो बोले यहाँ पर आना, पार्टी को लेकर चलना पड़ेगा, पार्टी खर्चा देना पड़ेगा। पार्टी का? हाँ, और हम बिल्कुल ओपिनियन के लिए अपना यहाँ पर जाएगा, हम कल पर दुकान, हम बोले भाई पर्सनल हम कुछ नहीं देगा, जिसको जो करना करो दादा। जब हम हाथ में से हो गया तो हमको डर खत्म हो गया, हम मैदान में आ गया, हम किसी बात का डर नहीं। अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं। पार्टी भी नहीं? नहीं, पार्टी तो भाई उसकी का, पार्टी को एक्शन आज गौतम चौधरी बुलाया है, लेकिन आज नहीं जाएगा हम जाएगा डॉक्टर के पास, दो दिन होना जाएगा, गौतम चौधरी देखा करेगा। हम पुलिस का प्रेशर है। गौतम चौधरी किस लिए आपको बुला रहा? डराने के लिए ना? मैंने को बातचीत करने के? क्या बात? बात करने के लिए। असल क्या है, पैट से समिति मना चिट्ठी लिख के दे दिया उसको, गौतम चौधरी से बात हुआ साइकिल देखो कि आपका भाई का लेटर मिला हमको, किंतु आपके विरुद्ध में चिट्ठी आया है, हमारा सर देखिए हमारा तबीयत खराब है, हो सकता है सोमवार को हम आए, लेकिन डॉक्टर से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, हम आज फोन करके बोलेंगे दादा हम दो दिन के बाद आए। आपका नाम? अब मेरा नाम है मोहम्मद जफीरुल इस्लाम, प्लस वहाँ सब होता है फुल भाई 66 प्लस है। और होटल का नाम? इस्लामिया होटल। बस हम देखा था आके उसको बोला, अब देखे जो धक्का लगा दिया, धक्का लगा के कलर पकड़ के मार रहा, बाल पकड़ के हम आके बोला कंपनी को। अच्छा। मालिक को बोला जो उधर फुल भाई से झमेला हो रहा, तो यही देखा हम। कितने आदमी था? हाँ बहुत आदमी था जी वहाँ, सब हाँ सब खटेर लोग है ना, सब बहुत आदमी था। बोलो होटल में तोड़ फोड़ कर देंगे चलो, वो हाथ जोड़ के बोला हमारा मालिक, मेजला मालिक बोला जो हाथ जोड़ के ऐसा मत कीजिए, हाँ गलती हो गया बात दी, छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ गया। इसलिए मेरा नाम असलम, शेख असलम, काम करते हैं। हाँ यहाँ काम करते हैं। मैटर ये एडवाइस ताकि अपनी अपना पार्टी ऑफिसे देखे ताकि मारधर कर, তার সম্পত্তিগত তার ভাইদের সঙ্গে গণ্ডগোল, সেখানে আপনি হস্তক্ষেপ করে মারধর করেন, এই নিয়ে থানায় অভিযোগ করেছে আপনার। একজন ব্যবসায়ী বলতে এই ভদ্রলোক হচ্ছে হাওড়া স্টেশন চাঁদবাড়িঘাট ব্যবসায়ী সমিতির, ওনার যে ভাই তার সদস্য। এনাদের আমি যতদূর জানি 7-8 মাস আগে এনাদের পারিবারিকভাবে ভাই ভাই বিবাদ হয়,
ওদের মধ্যে ওদের পরিবারের যে ছোট ভাই সে তার প্রাপ্য পাচ্ছে না, সেইটা কেন্দ্র করে তিনি আমার কাছে আসেন, লিখিতভাবে আবেদন করেন। আমি সেই আবেদন চাঁদমারিঘাট ব্যবসায়ী সমিতির যারা দায়িত্বে আছেন সেই আবেদনটা তাদের কাছেই পাঠিয়ে দিই, এবং ইনি বসে আছেন চাঁদমারিঘাট ব্যবসায়ী সমিতিরই একজন দায়িত্ববান লোক, পাঠিয়ে দিই যে বিষয়টা আপনারা দেখুন কি দোকানের সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা। এই অবধি ছিল, হঠাৎ করে কদিন পরে দেখতে পাই, কারণ এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমরা যা শুনেছি, ইনি এর ভাইয়ের সম্বন্ধে, এনার যে ছোটো ভাই, এনার ভাইয়ের সম্বন্ধেও বিভিন্নভাবে থানায় অভিযোগ করে কেস টেস করিয়েছিলেন। তো ঠিক সেরকমভাবে এনার যে কদিন পর আমরা জানতে পারি যে ইনি নিজেকে ব্যবসায়ী সমিতির একজন সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে ইনি থানায় অভিযোগ করেন, এবং আরও কয়েকটা ক্ষেত্রে উনি দিয়েছেন যে আমি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, আমার ওপর, মানে আমি অরবিন্দ দাস, আমি নাকি ওনার ওপর কোনো রকম টর্চার অথবা যে কোনো কিছু করেছি। তো তার সূত্র ধরে ব্যবসায়ী সমিতি যারা আছে, ব্যবসায়ী সমিতিও বিষয়টাকে কেন্দ্র করে তারাও তাদের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে এই যে অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে মারধর, এই বিষয়ে আপনার কি? না না, প্রশ্নই ওঠে না। কারণ হচ্ছে, দেখুন, পার্টি অফিস সকলের, এখানে পার্টি অফিসে বহু মানুষ আসেন, এখানে পার্টি অফিসের বাইরে প্রচুর মানুষ থাকে। না না না, ডাকাও হয় নাই, উনি এখানে আসেন উনি, কারণ 28 তারিখ যেটা আপনি বললেন সেদিন ছিল আমাদের ছাত্রদের সমাবেশ নিয়ে হাওড়া স্টেশনে, আমাদের পার্টির যারা দায়িত্বে প্রত্যেকে ব্যস্ত ছিল, তো স্বাভাবিকভাবে যারা ধরুন সারাদিনে তারা গেছে ধর্মতলা, তারা বাড়ি ফিরবে, সেসব নিয়ে আমরা প্রত্যেকে ব্যস্ত। 28 তারিখে কোথায় কখন কি হয়েছে সেই বিষয়ে দাদা আমাদের কোনো কিছু জানা নেই। তো অভিযোগ রয়েছে থানায়, এবারে আপনি আইনিগতভাবে কীভাবে লড়াই করেন? আইনিগতভাবে দেখুন, বিষয়টা যেহেতু থানায় আছে, আইনিগতভাবে নিশ্চয়ই উনি আমার সম্মানহানি করছেন, সে বিষয়ে আমি আমার পরামর্শদাতার সাথে আলোচনা করে, উকিলবাবুর সাথে কথা বলে যেটা আইনি হবে সেটা করব। এবং আপনাদেরকে আমি একটা চিঠি দেখাতে পারি, আপনি যেহেতু পড়লেন, এই ব্যবসায়ী সমিতি থেকে একটা চিঠি দিয়েছে, ব্যবসায়ী সমিতি থেকে একটা চিঠি দিয়েছে। এই যে চিঠিটা হচ্ছে যে ওনাদের যে পারিবারিক সমস্যা, ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল, এই ভদ্রলোক বিভিন্নভাবে ভাইদেরকে ডিপ্রাইভ করে, এবং ধরুন এই যে ঘটনাটা ঘটেছে তাতে উনি যেটা লিখেছেন যে ব্যবসায়ী সমিতি সব জানে, সেই হিসাবে ব্যবসায়ী সমিতির বক্তব্য হচ্ছে এই ঘটনার সাথে আমার কোনোরকম যোগ নেই, যেটা ব্যবসায়ী সমিতি দায়িত্ব নিয়ে লিখেছে। আমি যতদূর জানি আমাদের লোকাল থানায় জমা দিয়েছে, আমাদের স্থানীয় বিধায়ক যিনি গৌতম চৌধুরী মহাশয় ওনাকে দিয়েছেন, কমিশনার সাহেব বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন। ব্যবসায়ীর অভিযোগ আপনি প্রভাবশালী, আপনাকে পুলিশও ধরতে পারছেন না, এরকম তো কোনো বিষয় নেই, এরকম তো কোনো বিষয় নেই। আমরা প্রভাবশালী হওয়ার পরেও আমাদেরকে ধরুন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদেরকে তো পুলিশ ধরেছে, মারধর করেছে, আরপিএ ফেলে গেছে। আর একটা ব্যাপার দেখুন, কেউ কোথাও মৌখিক কোনো একটা অভিযোগ করে দিলে সেটাই যদি পুলিশকে দায়িত্ব নিয়ে প্রভাবশালী অপ্রভাবশালী, আপনারা এটা ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। আমার সম্বন্ধে ধরুন একটা কোনো অভিযোগ হয়েছে, সেটা তো তদন্ত হবে। আপনার নাম? আমার নাম অরবিন্দ দাস, নর্থ হাওড়া আইএনটিটিউসির সভাপতি।